तो हायरिंग कहीं चली नहीं रही है वो पार्ट टाइमर्स को रख ही नहीं रहे हैं उन्हें दस बीस डॉलर की वैल्यू स्टार्टिंग में समझ नहीं आती घिस घिस के कमाना स्टार्ट करते हैं ना कि वीक के अंदर उन्हें चार घंटे या आठ घंटे भी मिलने बड़े मुश्किल हो रखे है। हैं, कितनी जॉब जो है एक बार टेम्परेरी बेसिस के लिए डिस्ट्रॉय हो चुकी है सो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी कनाडा आना चाहते हैं इस टाइम अगर वो यूट्यूब खोल रहे हैं ना तो एक चीज उन्हें हर जगह देखने को मिल रही है न जाने कितनी सारी वीडियोस के 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 अंदर अंदर या फिर स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस आप ऑलरेडी देख चुके होंगे की कैनेडा के अंदर अभी पार्ट टाइम जॉब की कमी हो रखी है अब जितने भी बच्चे हैं जो इंडिया बैठे हैं जिन्होंने कैनेडा आना है या फिर कैनेडा आने का प्लान कर रहे हैं उनके बीच में पैनिक का माहौल बनना भी स्टार्ट हो रखा है तो इसलिए गाइस अपने इस वीडियो के अंदर उन चारों चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं सबसे पहली चीज की र्यूमर्स वगैरह जो चल रहे हैं एक्चुअल में क्या चीज है दूसरी चीज आखिर ये माहौल बना क्यों है कि स्टूडेंट्स को क्यूँकि आने के बाद जॉब मिल नहीं रही है तीसरी चीज जिस टाइम आप कनेडा आ गए उसके बाद आप इस सिचुएशन के बारे में क्या कर सकते हो एंड फोर्थ लास्ट में बात करेंगे कि कितना टाइम इस तरीके का माहौल अभी आगे चलने वाला है तो गैस अपनी वीडियो टॉपिक डिमोटिवेट करने वाला है बट एक्चुअल में ये वीडियो जरूरत बन गई थी क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ नेट पे चल रहा था जिससे कि स्टूडेंट्स ना अपने घरों में बैठे बहुत ज्यादा परेशान भी हो रहे थे तो मेरी ट्राई यही है आप वीडियो को पूरा देखना उसके बाद आई एम श्योर आपको बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स तो मिलेंगी मिलेंगी साथ में मोटिवेशन भी मिलने वाला है तो इसलिए

पार्ट टाइम जॉब्स को लेकर इस तरीके की स्टूडेंट से बहुत ज्यादा रहता हूँ आज के टाइम में आस पास में जितने और अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में से किसी ने आपको काम पे लगवा भी दिया तो स्टूडेंट्स के साथ ये हो रहा है कि उन्हें आवर्स ही नहीं मिल पा रहे पूरे फॉर एक्जाम्पल वॉलमार्ट हो गया मैकडोनल्ड्स हो गया टेमोर्टन हो गया इन जगहों पर जो भी स्टूडेंट्स काम करते हैं उनसे कभी पूछ के देखना स्टूडेंट्स को हमेशा मना करना पड़ता था कि हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते उनके पास हमेशा आवर्स अवेलेबल रहते थे बट आज के टाइम में स्टूडेंट्स के साथ ये सीन हो रहा है कि वीक के अंदर उन्हें चार घंटे या छह घंटे या आठ घंटे भी मिलने बड़े मुश्किल हो रखे हैं अब अपने बटने दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि ये सारी जो क्रिएट हुई है, ये हुई है, ये ये क्यों है है या अभी लंबे समय तक रहने वाली है तो यह सबसे पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा जितने भी बच्चे डीमोटिवेट हो रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो देख के के अंदर जॉब्स वगैरह नहीं रही है आपको कोई भी चीज दिल पे नहीं लेनी है जो भी चीजें सारी टेम्परेरी है कुछ गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज लेके आई थी टेम्परेरी जो कि खत्म

करवाएंगे जिससे कि आपका जो लोन सैक्शन है वो कम से कम टाइम में और हैसल फ्री हो जाए तो ज्ञान धन ऑलरेडी से ज्यादा बच्चों की हेल्प कर चुके हैं और पांच हजार करोड़ से भी ज्यादा का लोन अभी तक करवा चुके हैं तो अगर आपको भी फ्री काउंसलिंग चाहिए तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जाके आज ही आप अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करवा सकते हो तो गैस अब अपने वापस से बढ़ते वीडियो के अंदर अब भाई स्टूडेंट्स ने भी जो फुल टाइम काम करना स्टार्ट किया था उससे तो प्रॉब्लम हुई हुई थी साथ में रिसेशन भी आ गया उसने चीजें थोड़ी सी और वर्स कर दी और बाकी ये जो सारी सिचुएशन है ना ये सिर्फ जो मेन सिटीज है ना कनेडा की वहीं पे ज्यादा देखने को मिल रही है अब ये चीज आप घर बैठ के सोच के देखना जब भी आपको बोलते हैं कि भाई जाना है आपके दिमाग में ये चीज आती है या तो टोरंटो जाएंगे या ब्रैमटन जाएंगे या वैंकूवर जाएंगे या मॉन्ट्रियल जाएंगे बट उसके अलावा भी इतनी सारी सिटीज है स्टडी कर सकते हो बट स्टूडेंट्स ने वो सारी सिटीज को वो सारी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर ही नहीं किया हुआ तो इस टाइम भी जैसे मैं मिसिस आगे बैठा हुआ यहाँ पे अब मैं जॉब ढूंढने जाऊंगा शायद मेरे को मुश्किल होगी बट मेरा जो एक्चुअल काम है वो यहाँ से सत्तर किलोमीटर दूर है मैं सिटी में छोटी सी सिटी है वहां काम करने

जो सिचुएशन है ये टेम्परे है अब आप पीछे भी देख सकते हो वो स्नो पड़ने वाला या फिर हर जगह आपको स्नो ही स्नो इस टाइम लगभग डिग्री टेम्परेचर है तो उस चीज का बेनिफिट भी आपको मिलेगा इसलिए दिल छोड़ के नहीं बैठना घर पे कि वही पता नहीं क्या होगा काम मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं भी मिलता ट्राई एंड ट्राई अगेन अपने रेज्यूमे अपने स्किल्स पे काम करो एक मिस्टेक जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स करते हैं ना कि अपना एक ही रेज्यूमे बना के रख

अपने एक एक डॉलर को सोच के स्पेंड करना है यहाँ पे कि मैं इस चीज पे स्पेंड करूँ या ना करू यहाँ कोई कार वाला पंगा मत लेना कोई आपको नया फोन लेने की नीड नहीं है प्रीपेड सिम्स बहुत मिलती हैं आप अपनी आने के बाद सिम ले लो सस्ते सस्ते बढ़िया आते हैं। अपने इंडिया वाले फोन में डाल के चलाओ स्टार्टिंग में एक बार आपका बढ़िया गुजारा हो जाएगा तो आप अपने आगे लास्ट पॉइंट पे भी बढ़ते हैं बात करते हैं कि सारा जो सिस्टम अभी चल रहा है पार्ट टाइम जॉब को लेकर ये कब तक चलने वाला है और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कब सिचुएशन जो है थोड़ी सही होनी स्टार्ट हो जाएगी तो कैसे आप हिस्ट्री उठा के देख लेना जिस टाइम भी प्रॉपर रिसेशन चल रहा होता है ना उस टाइम आपको कोई नहीं बताएगा कि रिसेशन चल रहा है जब निकल जाता है ना उसके बाद फिर न्यूज़पेपर वगैरह में हर जगह आने लग जाता है कि रिसेशन आया था अब ऑलमोस्ट निपट चुका है अब हम रिकवरी की तरफ जा रहे हैं तो ये चीज हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि रिसेशन ऑलरेडी हिट हो चुका है इकोनॉमी का जो लो पॉइंट चल रहा है वो कहीं ना कहीं हम विटनेस कर रहे हैं तो ये चीजें भी अब साल के एंड तक या फिर जब नया साल स्टार्ट होगा तो चीजें रिकवर होनी स्टार्ट होंगी इकोनॉमी वापस से अपना जो अपवर्ड ट्रेंड है वो स्टार्ट कर देगी और साथ में जो गवर्नमेंट ने ये स्टूडेंट्स को परमिशन दे रखी है कि आप फुल टाइम काम कर लो ये भी

रिलेटेड है तो वो वीडियो भी बहुत से स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी तो गैस आप लोग कब आ रहे हो मेन टेक में आ रहे हो सप्टेबर में आ रहे हो या फिर कौन सा कॉलेज लिया है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और मेरी तरफ से हमेशा की तरह एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है अगर वीडियो आपको इनफॉर्मेटिव लगी है तो लाइक जरूर कर देना और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप मिस ना कर दो तो अपने मिलते अभी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर